Every year without gap, every year without fail, without break, and the very same year of CSC results 2022 provides us with the very same legacy, following of the very same legacy with 150 plus of the selections so far. राइट right? सो so, इस पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फिर से बोलेंगे लुकमान टू वर्ड ओनली वन स्लोगन दैट इज टर्निंग योर ड्रीम्स इन टू रियालिटी और आपको पता है अगर आपको अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करना है तो बारह जून से हमारा जीएस फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होता है और चल चलिए है, चलते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ दैट इज वंस अगेन टू द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो दैट इज प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट आज की डेट में हमारे लिए कोई बहुत नई चीज नहीं है देश विदेश के स्तर पे हम लोग देखते रहते हैं और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हो रहा है उस एक पर्टिकुलर कंट्री में जहां पर प्रोटेस्ट सच में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है प्रोटेस्ट पर ही वो कंट्री तैयार हुई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ जर्मनी किसी जमाने में जहां पर विलियम केसर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जजमेंट लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया उन्होंने अपने एक प्राइम मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क को अपॉइंट किया और बिस्मार्क को बोला कि भाई ऐसा है मुझे जर्मनी चाहिए स्ट्रांग और पावरफुल जर्मनी चाहिए वो ऑटो वन बिस्मार्क जिसके प्रिंसिपल्स को आगे और एनहेंस करके अपग्रेड करके एडोल्फ हिटलर साहब ने नाजी जर्मनी बनाने की कोशिश करी ओके नाजी आर्मी तैयार किया सुपर ह्यूम बनाने की बात कर रहे थे हिटलर साहब जी हाँ ये मजाक नहीं है अगर आप देखो अगर आपने मार्वल की एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका या एवेंजर्स उसके अंदर आपने एक टर्म सुना होगा हाइड्रा सो गाइज हाइड्रा इज नॉट अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट गिवन बाई एनी साइफाई हॉलीवुड मूवी नो दैट्स एप्सोल्यूटली करेक्ट means the philosophy the the news is correct. Hitler was really once again listen to me very carefully. Hitler was really about to create army of some super humans. usne is project ko naam bhi diya tha project hydra Google it and search it. ये कुछ कटिंग्स हैं आपके सामने Google की. Okay प्रोजेक्ट हाइड्रा वास समथिंग व्हिच इज़ रियल व्हिच वाज़ रियल. Started by the then ruler of Germany, Adolf Hitler. हमने देखा है हिटलर से पहले भी हिटलर के बाद भी जर्मनी में किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं विध रिगार्ड टू द बर्लिन वॉल किस तरीके से बर्लिन वॉल को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी किस तरीके से जो है डिवाइड हुआ और वहां पर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होते रहे फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ उसके बाद प्रोटेस्ट हुए बिस्मार्क के पहले बिस्मार्क के बाद जर्मनी में किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ किस तरीके से हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ जो जर्मनी होता है वो भी प्रोटेस्ट की ही देन है जर्मनी जो कि नाइनटीन सेंचुरी तक जर्मनी था भी नहीं पुरुषिया और अगल बगल के कुछ स्टेट्स मिलकर जो है अपने आप को मिलाकर इन्होंने यूनिफाई किया और जर्मनी का नाम दिया खुद को राइट तो उसी स्टेट में आज की डेट में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मंथ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉट वी कैन सी इज द प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन बट दिस टाइम द प्रोटेस्ट इज एबली वैलिड वंस अगेन Why? Because the protest is going ahead for protecting the earth, protecting the environment, protecting the greenery and the ecology of our planet. There is an organization known as Last Generation. Okay, so ये जो last generation organization है इस particular organization ने protest शुरू किया है लेकिन देखते देखते हम देख रहे हैं कि यह protest अब बहुत बड़ा हो चुका है Germany की आधी से ज्यादा जनता जो आप अपने screens पर देख पा रहे हैं ये सड़कों पर उतर गई है और protest कर रही है

की फंडिंग आई है इलीगल और इलेजिटिमेट तरीके से इस लास्ट जनरेशन ग्रुप के पास और ये इस ग्रुप को जो है बहुत ही अनएथिकल ये ये जो ये जो ग्रुप है इस फंडिंग को बहुत ही अनएथिकल और इनलेजिट वे में यूटिलाइज कर रहा है और अभी जो रीसेंट न्यूज है बताते हैं कि कुछ पंद्रह से बीस लोकेशन पर जर्मन पुलिस ने जो है पूरे एरियाज में सक्सनी के सक्सोनी करके जो एरिया है वहां पर या फिर उसके अलावा बर्लिन और म्यूनिश करके जो एरियाज हैं यहां पर जर्मन पुलिस ने रेड्स मारी हैं लेकिन हालांकि अब तक इस रेड्स में जर्मन पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो लास्ट जनरेशन ग्रुप को एक लीगल एक इलीगल या क्रिमिनल ग्रुप डिक्लेयर कर सके बट गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉकिंग अबाउट इन द फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन दैट इज द प्रोटेस्ट द डिमांड इन द प्रोटेस्ट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट वी नीड टू सेव द प्लैनेट अर्थ एंड वॉट दे आर डूइंग अगर आप इनके बैनर्स और पोस्टर्स को देखो होर्डिंग्स को देखो तो उसमें साफ लिख रखा है दो तो इट्स जर्मन लैंग्वेज बट इफ वी ट्रांसलेट इट ओके इट इज सिंपली सेव इट टुडे बिकॉज टुमोरो इट्स गोइंग टू बी वेरी लेट आज बचा लो नहीं तो कल खत्म हो जाएगा ओके okay? आज है तो कल है जैसे हमने इंडिया में बोला ना कल है जल है तो कल है है ना जल है तो नल है नल है तो फिर कल है ठीक ओके okay? तो ये क्या है हम और इकोलॉजी के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं उसी तरीके से जो जर्मन हैं ये जो लोग ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं पीछे घूमते हुए ये भी वही हैं जो इकोलॉजी और इन्वायमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं ओके गाइस ध्यान रखिएगा लास्ट जनरेशन करके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई टेरर ग्रुप नहीं है ये कोई जो है वॉयलेंट ग्रुप नहीं है ये एक सोशल ग्रुप है कुछ लोगों का तैयार किया हुआ और ये सोशल ग्रुप का जो कॉज है वो सोशल कॉज है ऑब्वियसली प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड ग्रीनरी ओके अब इस पर आपके क्या राय है आप देखिए इसमें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि वॉयलेंस हुआ हो कहीं पर भी एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स नहीं डाले गए हैं कहीं पर भी जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एंटी लॉ या अगेंस्ट द लॉ एक्टिविटीज अब तक ऐसी नहीं करी गई है सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिस रिपोर्ट में बताया गया कि सम 1.5 मिलियन 1.54 मिलियन डॉलर्स की जो है फंडिंग आई है इस एक पर्टिकुलर ग्रुप को जिसका इस्तेमाल ये इललीगल तरीके से और इेजिमेट तरीके से अनएथिकल तरीके अनएथिकल वेज में कर रहे हैं ओके okay, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर इस वक्त रेड अलर्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया ओके गाइस सो एंजॉयड इट और ध्यान रखिएगा इनका प्रोटेस्ट अगर गलत जा रहा है तो वो हम नहीं बता सकते लेकिन हाँ जो प्रोटेस्ट का जो थीम है जो की टर्म है दैट इज प्रोटेक्टिंग द एंड इकोलॉजी दैट्स एब्सोल्युटली स्टैंड्स वैलिड ओके गाइस सो दैट्स इट विद दिस सेशन राइट नाउ थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन हियर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बिकॉज आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और अपने वैल्यूबल जो फीडबैक uh, है उसे कॉमेंट बॉक्स में भी देना ना भूलें सो गाइज सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें शेयर कर लें और जो बेल आइकन ये जो बटन दिख रहा है आपको इसको भी ऐसे दबा दें सो so दैट लुकमान आयस की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप मिस ना करें ओके गाइज यू सो मच सून बाय बाय टेक केयर स्टडी वेल जय हिंद